जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB स्वीपर यानी कि सफाई वाला भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और इस भर्ती में दोस्तों अनपढ़ कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें अनपढ़ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी बेहतर दी जाएगी, जो कि आपकी 14,000 से लेकर के 28,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। और ये आपकी रियल सैलरी है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। साथ ही आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको इस भर्ती के बारे में आगे भी अपडेट करने वाला हूं। और जब यह भर्ती अन्य सर्कल के लिए आएगी तब भी मैं आपको यहां पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 200 रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द 200 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर लोगे। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यह जॉब्स ज्ञान आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आपको मैं भर्ती के बारे में अपडेट करता हूं। यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहां पर आना है और आप देखोगे कि आपकी पोस्ट का नाम स्वीपर है यानी कि सफाई कर्मचारी। इसमें यहां पर आपकी जो पोस्ट निकाली है वो 35 है, और इसको जो अप्लाई करने का तरीका है वो आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आपको ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन आपकी गुरुग्राम हरियाणा रहेगी, और मैं आपको बता दूं कि इसमें गुरुग्राम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये सर्कल वाइज भर्ती निकलती रहती है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा था कि प्यून की भर्ती आई थी। तो अब मैं यहां पर आप लोगों से जानना चाहता हूं आपको क्या जब आपके सर्कल के अंदर ये भर्ती आए उसके बारे में अपडेट करना है, क्योंकि वैकेंसी कम आती है तो कई बार मैं उसको स्किप कर देता हूं। बट अगर आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि सर मेरा सर्कल ये है और जब भर्ती आए तो हमें अपडेट करना, यानी कि आपको अपनी लोकेशन का नाम कमेंट के माध्यम से बताना है कि मेरा सर्कल ये है और जब भर्ती आए तो हमें अपडेट कर देना है, फिर मैं आपके लिए जब भी नेक्स्ट सर्कल में भर्ती आएगी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो यहां पर दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे 10वीं से भी नीचे मांगी है, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। 8वीं पास हो, 7वीं पास हो अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें अनपढ़ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको आगे देने वाला हूं। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है वो भी आपको दी जाएगी। सैलरी यहां पर आपको 14,500 रुपए से लेकर 28,145 रुपए पर मंथ दी जाएगी, जो कि आपकी रियल सैलरी है। सिलेक्शन इसमें बेसिकली आपका मेरिट के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि यहां पर अभी सिलेक्शन मोड के बारे में कोई भी जानकारी डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं कराई गई है। और एप्लीकेशन फीस भी इसमें कोई नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर पाएंगे। स्टार्टिंग डेट आपकी फॉर्म फिलअप की 31 मार्च 2021 है, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 15 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है वेबसाइट के, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आपकी जो डेट है यानी कि आपकी एज लिमिट है उसकी डेट देखोगे। आपकी एज 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी, 18 से 24 साल आप यहां पर देख सकते हो। और शैक्षणिक योग्यता में आपको बताया कि अधिकतम 10वीं पास नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 10वीं पास नहीं होने चाहिए, व न्यूनतम कोई योग्यता नहीं, यानी कि कम से कम कोई योग्यता नहीं है। चाहे आप अनपढ़ हो, 5वीं हो, 2वीं पास हो, 3री पास हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर जो आयु सीमा में छूट है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, और जो वेतनमान के बारे में यानी कि सैलरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी आप यहां पर देख सकते हो। आपको 14,500 से लेकर 28,145 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और इसमें नोट करके आपको यहां पर यह बोला है कि केवल गुरुग्राम जिले के मूल निवासी अभ्यर्थी ही रिक्ति के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र प्रारूप यहां पर आपको नीचे दिया गया है, तो आपने जान लिया है कि इसमें गुरुग्राम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब जो दोस्तों जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है वो आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, वेबसाइट से यहां पर डायरेक्टली डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके सामने जो इसका फॉर्म है वो आ जाएगा। मैं चलिए आपको यहां पर दिखाता हूं डाउनलोड करके। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का परफॉर्मा आ जाएगा, आपको उसको प्रिंट करा लेना है। आपको फॉर्म कहीं से खरीद करके नहीं लाना है, इसको यहां पर जैसे आप प्रिंट करा ले आपको जानकारी कैसे भरनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर दिया जा रहा है अभ्यर्थी का पूरा नाम, आपको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में अपना नाम देना है। वह यहां पर दिया यानी कि पहले हिंदी में लिखना है, इसके बाद आपको अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है। यहां पर दोस्तों आपको अपना फोटो चिपकाना है, और फोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर आपको साइन करना है, आधे साइन यहां पर होने
होने चाहिए और आधे फोटो के ऊपर होने चाहिए। जन्म तिथि आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। 1/1/2021 तक आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको बताना है। ऊपर की तरफ आपको लिखना है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 10th बेसिकली जो भी आपकी जन्म प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर 1/1/2021 तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने और कितने दिन की हो जाती है वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। जेंडर में आपको बताने कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने यहाँ पर पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। स्थायी पता आपका क्या हो यहाँ पर आपको लिखना है, और साथ ही आपको जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको बोला कि साक्षर, जिनको क्षेत्रीय भाषा पढ़ना व लिखना आता हो, तो यहाँ पर अगर आप साक्षर हो आपको यहाँ पर लिख देना है कि हाँ। और इसके बाद बी ऑप्शन है साक्षर जिनको क्षेत्रीय भाषा सिर्फ पढ़ना आता हो, तो अगर आप बी वाले ऑप्शन में आते हो तो आपको यहाँ पर इसके सामने राइट टिक लगा देना है। अगर आपको जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपको लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है तो आपको ए वाले में टिक करना है। और स है आपका असाक्षर यानी कि अनपढ़, तो अगर आप अनपढ़ हो तो आप यहाँ पर तीसरे के सामने टिक कर दीजिए। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपकी कास्ट कौन सी है तो आपको वो चूज करनी होगी, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आपको यहाँ पर देनी है। साथ ही उसका फोटोकॉपी यानी कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का नंबर आपको लिख देना है। पिछली सेवा अगर आपने कोई सेवा की है तो आपको उसकी जानकारी देनी है 11 पॉइंट में, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। रोजगार कार्यालय एवं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए, कंपलसरी रूप में नहीं है। फिर नीचे दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आपको बोला कि आवेदित लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम यानी कि आपका जो लिफाफा है वो जो कि ब्राउन कलर का होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपकी कास्ट, आपकी श्रेणी व सफाई कर्मी पद पर भर्ती हेतु आवेदन लिखा होना चाहिए, आपको उसके ऊपर लिखना है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ व आवेदन पत्र के नीचे पूर्ण हस्ताक्षर यानी कि जो आपका फॉर्म है उसके नीचे आपको पूरा भरना है और अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नाम व तिथि लिखनी है कि आपका नाम क्या है और कौन सी डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, और आपको ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। एक है आधार कार्ड, दूसरा है आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, चाहे वो 5वीं हो, 8वीं हो, जो भी है, 10वीं तो नहीं होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपने यदि कार्ड पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित न हो तो यदि जो आपका आधार कार्ड है उसके ऊपर आपकी जन्मतिथि न हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। और ये फॉर्म आपको 15 अप्रैल 2021 शाम 5 बजे से पहले सेंड कर देना है, और ये आपको कौन से एड्रेस के ऊपर सेंड करना है वो आपको देख लेना है। बेसिकली जो आपका ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आपको ऊपर की तरफ ये एड्रेस देखने को मिल पा रहा है जो कि मानव संसाधन विकास विभाग मंडल कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा भूतल प्लॉट नंबर 5, इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को आपको सेंड करना है 15 अप्रैल 2021 से पहले। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है और ये आपका पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।